हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एलविश यादव के बारे में। क्या एलविश यादव को पुलिस वाले पकड़ के ले गए? जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आज शाम से काफी सारे अपडेट निकल के आ रही है कि एलविश यादव को अरेस्ट कर लिया गया है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि एलविश यादव को सिर्फ पूछताछ के लिए लिया गया है। और इन सब चीज के पीछे एलविश यादव को अरेस्ट करने का सिर्फ एक ही रीजन है, स्नेक वेनम केस बताया जा रहा है। और कुछ न्यूज वाले का कहना था कि एलविश यादव को 14 दिन तक हिरासत में लिया गया है। लेकिन दोस्तों, अभी एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग खबर निकल के आ रही है और जो मैं आपको क्लिप दिखाने वाला हूं उसमें एलविश यादव को जेल के अंदर डाला जा रहा है। आप ये छोटी सी क्लिप देख लीजिए। सो गाइस, आप लोगों ने जैसा कि देखा कि एलविश यादव को जेल के अंदर डाला जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी पक्की खबर नहीं आई कि एलविश यादव को कितने दिन तक जेल के अंदर रखा जाएगा। लेकिन एलविश यादव के क्लोज फ्रेंड कटारिया ने ट्विटर पर कुछ ये फोटो अपलोड की। और गाइस, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब मुनव्वर फारूक को इस केस के बारे में बताया गया तो उनका क्या रिएक्शन था, अभी खुद ही देख लीजिए। आपने देखा वो खबर? जी भाई, एलविश वाली खबर देखी? आपने बोला मेरे को मालूम पड़ा, मैं तो सूट पे था, मेरे को मालूम नहीं। मेरा कि चेक क्या बन रहा है, मेरा फोन बंद है, लेकिन दो दिनों से बड़ा चेक करो। अरेस्ट हो चुके हैं अभी, मतलब पूछताछ हो रही है उनसे। वही जो सवाल कर रहे हो, क्या चल रहा है, ये हो रहा है इंटरनेट से बहुत दूर, सोशल मीडिया से 3-4 दिन से। आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे सीन को लेकर, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।